हेलो गाइस, आप सभी कौन है। आज मैं बहुत समय के बाद आ गया हूँ दी वन एंड ओनली वीजी भाई के साथ। रोम रोम भाइयों, मैंने सोचा कि क्यों ना ओपेनहाइमर स्टाइल आया जाए आज। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं खुद बहुत टाइम बाद फॉलो गाइस में आ रहा हूँ और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मैंने कोट भी डाल के आया हूँ, टुमारो इज इन योर हैंड्स, जो कि ओपेनहाइमर से रिलेटेड मेरे को इसलिए लगा क्योंकि ओपेनहाइमर ने दुनिया बर्बाद, आई मीन दुनिया तो नहीं बर्बाद करी, दुनिया को डिस्ट्रॉय जरूर कर दिया। Now I am become death, the destroyer of worlds. और साथ में हमारे हैं भाई, सबने देखी ओपेनहाइमर भाई, तो समरी के देने बैठ गया गेम खेलना। मैं भी नहीं भाई, बंदा ये बोलता है। अरे मैं तेरी तारीफ करने वाला था अभी, बीच में बोलता है कि वीजी जो है बहुत टाइम के बाद आया, लेकिन अभी भी अपना वही एलियन जैसा सूट पहन के आया है। तो भाई सिग्नेचर सूट कहते हैं भाई, तू नहीं समझेगा। नहीं तू समझा नहीं। देख एक काम करते हैं, आज क्योंकि डायराइट हमारे साथ नहीं है तो भाई आज बुलाइयो भी मत उसे। मुझे क्यों तोड़ा? तो मैं कह रहा था मुझे जादू वाला टैग है ना, आज तेरे सूट को देख के तेरे को दे देते हैं आज वो जादू वाला टैग। जादू मैं कह रहा, तेरा सूट देख के ऐसा जादू वाली फील आ रही है ना, तू एलियन जैसा बना हुआ है ना, इसलिए कह रहा था। और बाकी उम्मीद करते हैं लैग ना हो, लैग के कारण पिछली बार बहुत दिक्कत हुई थी। हम इससे पहले एक वीडियो बनाने बैठे थे। तू अभी एसएसडी को थोड़ा फ्री कर ले ना, थोड़ा एसएसडी को भर के रखता है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं भाई, वो वीडियो फाइल्स थोड़ी सी होती है, बाकी तो भाई आप रैम को जो है अपग्रेड कर ले 16 GB। अच्छा ठीक है, डुअल चैनल, डुअल चैनल। तो गाइस इसी के साथ आपको अब गेमिंग विद मीमर पे टेक्निकल विद मीमर भी बन गया अब मैं तेरे इस बातों के कारण। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपको अपने जो है, अगर आपको भी फॉलोअर्स में लैग एक्सपीरियंस होता है तो आज ही वीजी भाई की टिप्स मानी है और उसके चक्कर में मैं नीचे गिर गया। एक चीज है, जब मैं ऑफ कैम भाई डुओज है, अगर तू भूला ना हो तो प्रॉब्लमेटिक बात हो गई भाई। हाँ वाकई 19 पॉइंट मैं कर जाऊंगा। वीजी भाई डरो मत, ये पंखा बंद कर दो यार, बहुत है। कितने पॉइंट से 66 है भाई? मालूम है अगली बार 11th आएंगे। तेरे को एक चीज पता है, तूने अपना चैनल 7th अक्टूबर को स्टार्ट किया, मैंने अपना चैनल 8th अक्टूबर को स्टार्ट किया। सेम ईयर और ऑलमोस्ट 24 आवर्स का ही डिफरेंस था। तूने कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं किया, मैंने कंसिस्टेंटली अपलोड कर पा रहा, बस यहीं पे डिफरेंस। भाई कौन सा तेरा कंसिस्टेंटली व्यूज आ रहे हैं? आते भाई, मैं पूरे 70 सब्सक्राइबर्स का मालिक हूं। हां भाई सब्सक्राइबर, तेरे पास तो वो भी नहीं है, भाई मेरे पास चैनल भी नहीं है, अब क्या कर लेगा? बंद कर। अफसोस वीजी भाई का चैनल बच ना सका। और हमेशा की तरह डोर डैश में भागते हुए। अरे वीजी भाई तुम कहाँ, कितने पीछे रह गए भाई? मैं कैचअप कर रहा हूँ पीछे से। नहीं नहीं ठीक है, दिख गया तू, आ गया। तीनों ही दरवाजे निकले। यस भाई किस्मत ब्रदर, खोलो भाई, खोलो भाई। भीड़ आ गई। चलो भागो। ये क्या पानी क्यों डाल दिया? कुछ भी भगवान जाने, ये फॉल गाइस कौन से राउंड्स बनाता है फॉलोअर्स को खुद नहीं पता। अबे तू अभी नहीं क्वालिफाई है। मैं ऑलमोस्ट ऑन दी एज था उतने में गेम पे, लेकिन हमको लाया वो अकेले में। तू देख भाई, ये निशानी, ये निशानी है जब टॉपर दोस्त के साथ खेले। तो मैं ओपेनहाइमर और तू टॉपेनहाइमर, मार के खोपड़ी तोड़ दे खोपड़ी। अच्छा ओपेनहाइमर भाई गिरा हुआ है, हमर कौन है डायरेक्ट? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ बोल सकते हैं।
अच्छा अच्छा ओपनहाइमर अभी जिंदा नहीं है, वरना टॉपनहाइमर सुन के अगला जो न्यूक था वो मेरे घर पे होना था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके पाइप ड्रीम, इसमें स्पीड ही सब कुछ है भाई। तो पुराने राउंड जाने लग गए दोबारा, पता नहीं मैच में अच्छा बोल तो नहीं, बोल तो रहा हूँ फॉर गाइस को खुद नहीं पता किस समय कौन सा राउंड देना है। एक ही राउंड के 400 वेरिएंट्स बनाए हुए हैं, कभी पता नहीं कौन सा राउंड आता है कभी कौन सा आता है। अब डोर डैश का एक वेरिएंट है जिसमें एक पंखा लगा हुआ है, एक है जिसमें हैमर लगा हुआ है, एक है जिसमें पानी है, एक है जो नॉर्मल वाला था। मैं तो कह रहा हूँ फॉर गाइस को खुद नहीं पता कि कौन सा राउंड किस समय देना होता है भाई। उसे कस्टमाइजेशन कहते हैं। तेरे कंट्रोलर की आवाज जो है ना वो यहाँ तक आ रही है। हाँ तो बटन्स की आवाज़ माइक के बहुत पास है ना, मतलब माइक में कंट्रोलर है तो इसलिए कंट्रोलर माइक के बहुत पास नहीं, माइक कंट्रोलर के बहुत पास है। माइक कंट्रोलर में माइक है। हाँ मैं वही बोलने वाला था, कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट माइक है ना, तो ऑफ कोर्स ये तो आना ही। अब जैसे जैसे मेरे पीसी के अंदर इनबिल्ट माइक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं बच्चे, मैं पीसी में इनबिल्ट माइक है तो मेरे कीबोर्ड की आवाज़ अपने आप आती है, मेरे कीबोर्ड की आवाज़ अपने आप ही आ जाती है। वो तो है, ये तो प्रॉब्लम होती है, एक ड्रॉबैक होता है। नॉइस कैंसलेशन वाले लेने पड़ेंगे अब तो माइक। मैं तो कह रहा हूँ भाई तू तो YouTube सेटअप बनाना पड़ेगा। सुन सुन ये सारी चीजें छोड़, तुझे पता है एप्पल एक चश्मे निकाल रहा है 3 लाख के। हाँ भाई पता है उसे। हाँ वो खरीदियो कहते हैं समझाना, चश्मे नहीं कहते विजन प्रो, विजन प्रो एप्पल एप्पल आई विजन प्रो स्टार्टिंग फ्रॉम $3,500 नॉट इन इंडिया। उसको कैलकुलेट करेगा तो 2,87,000 के अराउंड कुछ बनता है। और ये सीसा भाई भाई जीएसटी तो लगा ले, जीएसटी लगा के $1.100 का पड़ता है। जीएसटी लगा के कम से कम 3-3.5 लाख तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही तो कह रहा हूं यार, मैं नीचे आया तो वो ऊपर चला गया, क्या चल रहा है। मैं नीचे आया तो ऊपर जा रहा है, ऊपर आया तो नीचे जा रहा है। मैं ठीक है भैया ये कर लो भाई, सीसा कहते हैं समझा ना, पता है ऐसी काम करती है। लेकिन ये ऑटोमेटिक सीसा है, मेरे चलने या गिरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। बच गया इसको, नहीं खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। When you celebrate too early. ओके चल ठीक है भाई, मैं तो गया, अब तू अपना भाई, तू तो गया भाई, तू तो गी हो। ठीक है भाई मैं चलता, ओके ओके बाय। अबे यार इसके अंदर लास्ट पे ये देख क्या लगा रखा है इन्होंने, वो तेरा OBS की वजह से तो नहीं करता लैग। नहीं नहीं वो अब लैग नहीं कर रहा, उस समय ही लैग कर रहा था, अब ठीक है भाई। थोड़ा पीस को गर्म कर लिया था थोड़ी देर के लिए, कोल्ड स्टार्ट पता है भाई। और टेक्निकल बातें बोल दे और इसके ऊपर टेक्निकल विद मीमर बना दे इसको भाई। टेक्निकल गुरुजी आएंगे अब तेरे चैनल पर टेक्निकल गुरुजी करने। मैं सोच रहा हूँ तेरे साथ पॉडकास्ट बनाया जाए। ना भाई मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है। अरे नहीं तेरे साथ पॉडकास्ट बनाऊंगा ना, बहुत काम की चीजें बताएगा तू। हाँ ठीक है मार ले भाई, तू मेरे को ही मार ले, स्पेशली मेरे को टारगेट कर रहा है, स्नाइप कर रहा है मेरे को। मैं कैसे पास? अरे तू नहीं, वो लकड़ी जो नीचे गिर गई। और यार तेरी इतनी तेज आवाज आ रही है ना कंट्रोलर की, और बैकग्राउंड नॉइज तो कंट्रोलर के बटन पता है भाई। रेज जब होता है ना तो मेरे को भी पता है क्या होता है रेज में। मैं वही कह रहा हूँ कि जब जिस समय रेज होता है ना तो मेरे को पता है कंट्रोलर कीबोर्ड माउस का हालत, माउस की हालत क्या होती है। अरे चल ले भाई, मेरे को क्यों तोड़ा भाई, मैंने क्या किया था। ओके आई एम ऑन द एज टू फिनिश दिस। नो 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 नो, बच गया, हो गया, हो गया पॉइंट बस भाई। आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ विजय भाई, चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। विजी भाई चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ विजी भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया विजी भाई। ओ भाई वाओ, लेट्स गो, ओपनहाइमर की पावर, ओपनहाइमर की पावर में क्वालिफाई कर गया। ये राउंड पेशेंस से खेला भाई, गिर जाओ भाई, गिर जाओ, गिर साथ गिर साथ। नहीं 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 नहीं, बच गए हम, सेकंड टायर्ड है, हम सेकंड टायर्ड है, बच गए भाई। उफ 7 स्क्वाड्स थे, 4 स्क्वाड हो गए। उफ ये है ओपनहाइमर की शक्ति। ओपनहाइमर ने मेरे को क्वालिफाई करा, मैं नींबू की शक्ति बता दे, तो ओपनहाइमर की शक्ति बता रहा है। ये बातें बताई नहीं जाती। ओके अरे यार ये राउंड बहुत बेकार है।
ये राउंड बहुत बेकार है, इसमें लोग ग्रैब करके गिराते हैं हमें को बहुत। अभी ऑक्टोपस बहुत दिखता है हमारे, बोलता है हमारे बीच में। मीम बिल्कुल काम नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ इसमें लोग ग्रैब करके गिराते हैं लिटरली, इसलिए तू ऑक्टोपस से ज्यादा लोगों से बच के रहियो भाई। मैं तो नजारा देखूंगा आराम से, और फिर पानी में डुबकी लगा लूंगा। पानी में डुबकी तो नहीं लगानी ना। ओके तो पहले तो ये नोट करो कि हमारे आसपास कौन है और कौन हमें मारने आ रहा है। अरे आ गया ऑक्टोपस, देख रहा हूँ, देख रहा है भाई वो सेंस कर रहा है। उधर ग्रीन वाले में आओ, बचा बचा बचा, मैं बचा। नहीं नहीं भाई, मैं खुद से गिर गया। अरे ए मारो इसको। ओए नहीं, मैं खुद से गिर गया, लिटरली मैं खुद से गिरा हूँ, क्या बात है, यही उम्मीद थी मेरे से। ओके नहीं, ओके तेरे को भागना पड़ेगा। नहीं वीजी भाई, ये ग्रैब ओके, ये इस राउंड में थोड़े अच्छे लोग भाई। नहीं भागो वीजी भाई। ओके ये नीचे जाएगा, मैं बता रहा हूँ ये नीचे जाएगा। ओए पानी आ रहा है शिट पे, वही तो मैं बोल रहा हूँ नीचे जाएगा। ओके 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 वीजी भाई, यू कैन डू इट, बच गया। ओके तीन लोग अभी भी बचे और 3:53 अभी भी बचे हैं। वीजी भाई यू कैन डू इट। ओ ग्रैब कर रहा है, प्लीज 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 बच जा। ओबे बच जा यार, मेरे को हमेशा ऐसे लोग पसंद नहीं आते और इन लोगों की वजह से मेरे को खुद ग्रैबर बनना पड़ता है। नहीं इधर साठ गया तू भाई, कैसे बच रहा है मेरे को भी नहीं पता, तू बस भगवान भगवान तेरे साथ है बस। एक और बचना है भाई, एक बस एक और, लेट्स गो गाइस। इसी के साथ वीजी भाई और ओपनहाइमर की शक्ति के कारण गेमिंग विद मी में फाइनली ऑन कैमरा जीत गया। मुबारक हो भाई, ओपनहाइमर गया था वो, बस आया कैमरा नहीं चल रहा था। ओए वो अलग बात है कि मेरे को फॉल गाइस ने डिस्कनेक्ट कर दिया था फाइनली। तू खड़ा ही रह गया, मैं गिर गया। तो गाइस इसी के साथ भाई फॉल गाइस वाले क्या सारी मेहनत ने की है, लेकिन नहीं है सारी मेहनत तूने नहीं किया, एंड तक पहुंचाने में मेरा भी हाथ था। अगर मैं उसमें क्वालिफाई नहीं करता, मैंने पूरे गेम में क्वालिफाई नहीं किया, स्लाइम क्लाइम में किया, देख मेरे लिए अचीवमेंट है ये। हां भाई लेट्स गो गाइस, इसी के साथ हमारा एक जिंक्स था जो शार्ट्स ही मिलते हैं क्या? शार्ट्स हां इसमें शार्ट्स मिलते हैं, लेकिन मेरे को 95 शार्ट्स मिले हैं। बेकार चीज है यार, मेरे को रेवेन्यू मिला के 95 मिले हैं भाई, कितना लेवल अप हो गया हूं मैं तो। मेरे को कम से कम एक क्राउन मिल गया, मेरे को दो दूसरे ग्राउंड से बस एक शार्ट दूर था मैं, बस एक शार्ट। बहुत बुरा हुआ, तो मैं बार्बी बनता हूँ अब। ओपनहाइमर की शक्ति हो गई, बार्बी की शक्ति दिखाएंगे अब हम। यू नो व्हाट टाइम इट इज,